वेलकम बैक एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस बिग बैश लीग 2023 के पहले मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच। तो आप सभी को मालूम होगा कि दोनों टीमें अपना टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रही है, टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। ब्रिस्बेन हीट की टीम जो 2022 में चैम्पियन रहती चूक चुकी थी, क्योंकि इनका मैच था पर्थ से जो कि ये लोग हारे थे। अब 2023 में इनको एक सॉलिड स्टार्ट देनी है मेलबर्न स्टार्स को बीट करके। लेकिन मेलबर्न स्टार्स जो टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीमों के अंदर आती है, उनको हराना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सुपरस्टार, जिनके कारण आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को जीत के आ रही है, तो बिग बैश लीग में भाई क्या हाल होगा उस टीम का जो अगेंस्ट में खेलने वाली है। तो भाई बहुत ही, मतलब मैं बोल सकता हूँ, शानदार मैच रहने वाला है। वीडियो भी काफ़ी शानदार रहेगी आप सब के लिए, क्योंकि मैं वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, क्या प्लेइंग टीम की प्लेइंग 11 है, बैटिंग ऑर्डर क्या है, मेन बॉलर कौन से हैं जो चार चार ओवर देंगे, डेथ में कौन से बॉलर आने वाले हैं दोनों ही टीमों की तरफ से, अगेंस्ट में किस प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है। तो मैंने आपको रीसेंट इनिंग के बेस पे बताया है कि टीमों के जो प्लेयर खेलेंगे ना इस मैच में, जैसे मैक्सवेल स्टोइनिस जितने भी प्लेयर हैं, सारे प्लेयरों का वेन्यू का रिकॉर्ड, प्लस में बीबीएल के अंदर जो 2023 से पहले के एडिशंस थे उनके अंदर किस प्लेयर का कैसा परफॉर्मेंस था वो, और वहीं पे इस मैच में जो भी मतलब मेन इन्फॉर्मेशन होगी, बैटिंग ऑर्डर वगैरह ये जो नॉर्मल भी है वो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन काफ़ी काम की और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो आप सबके लिए 10,000 का फ्री गिव अवे रहने वाला है, जो आप बहुत आसानी से विन कर सकते हो। ठीक है, क्या गिव अवे है, कैसे विन करोगे वो हम आगे देखेंगे, पहले एक बार मैच की इन्फॉर्मेशन को देख लें, आगे मैं गिव अवे भी क्लियर कर दूंगा। इतना ज़रूर बता दूं, गिव अवे केवल उनके लिए हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, और उसके अलावा वीडियो को भी लाइक करना, और वीडियो को लाइक करोगे तब ही ये जो गिव अवे है ना 10,000 का, उसके लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि ये दो कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ, पहला चैनल सब्सक्राइब, दूसरा वीडियो को लाइक, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आगे वीडियो में जो गिव अवे है वो बताऊँगा, पहले एक बार मैच की जो मेन चीज़ें उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, इस मैच की जो फाइनल टीम होगी, आप सभी को मालूम होगा कि जो ये मैच स्टार्ट होगा 1:45 पे, उससे पहले टॉस होगी, टॉस के बाद आएगा बैटिंग ऑर्डर जो फाइनल होगा दोनों टीमों का। ठीक है, वहीं पे पिच रिपोर्ट आएगी। बैटिंग ऑर्डर के अलावा, जैसे मान लो कई बार होता है इनमें सब्स्टिट्यूट का सीन, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो वो भी आपको जो होगा वो भी टेलीग्राम चैनल पे ही मैं बताने वाला हूँ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, नाउ गाइस, अब हम चलते हैं इस मैच की मेन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सो देखिए, ये मैच होगा ब्रिस्बेन गाबा के अंदर, ये यानी कि ब्रिस्बेन हीट का होम ग्राउंड होगा ये। ठीक है, गाबा में ये मैच होने वाला है, जहाँ पे पिछले अगर कुछ मैचेस की मैं बात करता हूँ तो पिछले चार मैच जो हुए थे उसमें देखिए 3 मैच जीती है जिसने पहले टॉस जीत के बैटिंग की है, और यही रीज़न है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉस विनर टीम पहले क्या करेगी, बैटिंग। बाकी देखते हैं, पिच रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर पिच बिल्कुल सूखा है तो टॉस की कंडीशन चेंज होगी, वहीं बिल्कुल गीला है तो भी टॉस की कंडीशन चेंज होगी। तो पिछले सीज़न के ये मैचेस है जो खेले गए हैं ना, पिछले 2022 बीबीएल के मैचेस है ये जो 4 है। ठीक है, और उसी के अलावा यही रीज़न है कि मैंने यहाँ पे टॉस विनर टीम बैट फर्स्ट लिखा हुआ है। हो सकता है टॉस विनर टीम बॉलिंग भी ले ले, वो पिच कंडीशन के बेस पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख के चलना। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इस वाले मैच की, जो ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स का हुआ था 2022 में, आखिरी मैच भी ये दोनों टीमें ही खेली थी। ठीक है, तो अगर मैं उस मैच की बात करता हूँ तो उस मैच में 2 विकेट लिए थे स्पिनर्स ने और 4 विकेट लिए थे पेसर्स ने। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रख के चलना, ये थोड़ा सा विकेट ऐसा है जहाँ आप लोग बैलेंस के साथ साथ बैटिंग उम्मीद लगा सकते हो, मतलब बैलेंस तो रहेगा ही, लेकिन बैलेंस में भी कई बार क्या होता है बॉलर्स को हेल्प मिलती है और यहाँ पे होगी बैटर्स को हेल्प। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, और बाकी उसके अलावा यहाँ पे प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करता हूँ, जो ब्रिस्बेन की टीम है उसमें उस्मान ख्वाजा और मैक्स ब्रियान जो है ओपन करेंगे, कोलिन मुंड्रो 1 डाउन आएंगे, लबुशांगे 2 डाउन, फिर सेम ब्लिंग्स, पॉल वोल्टर, माइकल लेसर, शावियर बार्टलेट, स्पेंसर जोहनसन, मिचेल स्विप्सन और मैथ्यू कुनमैन, ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है।
और ये लगभग बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। ऐसा हो सकता है कि जब टीम पहले बैटिंग करेगी तो जैसे बार्लेट या मान के चलिए स्पेंसर जॉनसन जो है वो पहले रहेंगे, मतलब अगर पहले बैटिंग की तो इस सब्स्टिट्यूट में, और जैसे बॉलिंग करने आएगी टीम तो जो सब्स्टिट्यूट का प्लेयर है जैसे मैक्स ब्रियांट है वो हट जाएगा और बॉलर आ जाएगा, ऐसा मोस्टली होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और बाकी देखिए अब कौन सा सब्स्टिट्यूट में कौन कौन से प्लेयर ये देते हैं ये अभी कोई नहीं बता सकता है। तो बाकी फिर भी अगर इनके स्कोर की बात करता हूँ तो ये बेंच के तीन प्लेयर हैं। ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बैटिंग करती है टीम तो विल्डरमुथ को दे दिया इन लोगों ने पहले सब्स्टिट्यूट के अंदर, ठीक है, जैसे बॉलिंग करती है टीम तो उस केस के अंदर जैसे ब्रियांट को हटा दिया पहले, ठीक है, और जैसे लाइक ले लिया जेक वुड को, ऐसा हो सकता है क्योंकि सब्स्टिट्यूट का सीन यहाँ पे वही लीजेंड वाला, अबू धाबी वाला, आईपीएल वाला ये चलता है। ठीक है, बाकी और जो भी अपडेट होगा वो मैं टॉस के अकॉर्डिंग बता ही दूंगा। देखिए अगर ये सेम लाइनअप होती है जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो पावर प्ले में स्पेंसर जॉनसन और माइकल नेसर आएंगे, और डेथ ओवर्स की बात आती है तो बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन और माइकल नेसर डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग के लिए आएंगे। ये टीम ब्रिस्बेन हीट है जिसके अभी स्कोर जो अनाउंस हुआ था उसके अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। बाकी और भी प्लेयर है ब्रिस्बेन हीट में, मार्क स्टेक्टी जैसे शानदार प्लेयर है बट स्कोर में है नहीं, वो तो भूल जाओ, वो तो खेलेंगे नहीं। ठीक है, बाकी उसके अलावा अब हम बात करते हैं प्लेयरों का रिकॉर्ड अगेंस्ट मेलबोर्न स्टार्स प्लस इस वेन्यू का रिकॉर्ड। ठीक है, और ये रीसेंट इनिंग के बेस पे हैं, मतलब कि इस वाले मैच में 24, 18, 28, 0 और 22, मैं चाहता तो ऐसा भी लिख देता टोटल काउंट करके इतने रन इन्होंने बनाए, बट रीसेंट इनिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ में आए कि बंदा किस तरीके से खेल रहा है, और प्लस में रीसेंट इनिंग से आपको फॉर्म का भी पता लग जाता है कि हाँ भाई इस टीम के अगेंस्ट ये इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इस चीज़ के लिए भाई हमारे लिखने वाले को एक लाइक ज़रूर देना। ठीक है, तो ख्वाजा ओपन करेंगे मैक्स ब्रियांट के साथ, और ब्रियांट आपको बताए बहुत ही तगड़ा हीटर है, और साथ में अगर मैं वेन्यू की बात करता हूँ तो पिछले 3 मैचेस में इस वेन्यू पे इस बंदे ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है, और वहीं पे उसके पिछले 2 मैचेस में ये बिल्कुल फ्लॉप रहा है। ठीक है, उसके बाद आएंगे कॉलिन मुनरो, और ये भी ध्यान रख के चलना कि एक ओपनर लेफ्टी है और दूसरा वन डाउन वाला, तो सामने वाली टीम से जो भी ऑफ स्पिनर होगा ना या ऑफ ब्रेक जो जिसको बोलते हैं वो जरूर पावर प्ले में आएगा, और वो कौन आएगा वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगेंस्ट का रिकॉर्ड मैक्स ब्रियांट का उतना कुछ खास नहीं है, देखा जाए तो एक ही इनिंग अच्छी है, मतलब फिर भी देखिए अगर नॉर्मली मैं बोलूँ स्मॉल लीग के बेस पे तो आप ले सकते हो, और मिनी जीएल के बेस पे देखा जाए तो उस केस में आप ये, क्योंकि ऐसा प्लेयर है ब्रियांट जिसको अगर आप बैटिंग करते हुए देखोगे ना तो हर बॉल पे ये 4-6 मारने की कोशिश करेगा हर बॉल पे, तो स्मॉल लीग में एज ए नॉर्मल प्लेयर ले सकते हो, और जैसे मिनी जेल वगैरह खेलते हो तो उनमें आप इनको वीसी तो कम से कम कर देना, क्योंकि कैप्टन तो मैक्सवेल से बेहतर कोई है नहीं, ये तो आपको भी बताएं, लेकिन वीसी तो आप इसको बना ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं कॉलिन मुनरो की, तो रीसेंट फॉर्म बंदे की काफ़ी अच्छी है T20 की, T10 की नहीं है ये। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अगेंस्ट कैसा रिकॉर्ड है तो लाजवाब रिकॉर्ड है, और वहीं पे वेन्यू की बात आती है तो 3 मैच में ये लगभग फ्लॉप बोलूँगा मैं इनको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लबुशांगे की, तो लबुशांगे जो है बिल्कुल फ्लॉप रहा है स्टार्स के अगेंस्ट, टोटल फ्लॉप। वहीं वेन्यू की बात आती है तो वेन्यू पे देखिए इन्होंने बॉलिंग से विकेट निकाले, हालांकि बैटिंग से तो बिल्कुल फ्लॉप है लेकिन बॉलिंग में इस मैच में काफ़ी कम चांस है, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि ऑलरेडी मेन बॉलर खेल रहे हैं और वो भी 6 बॉलर, तो अगर ऐसा होता है ये टीम वन साइडेड विन कर रही हो या वन साइडेड हार रही हो तो जब एक्सपेरिमेंट होगा ना तो ये बॉलिंग करेंगे, वरना चांसेस कम है। और फिर मैं बता दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिस सीजन में ये जो है बॉलिंग कर रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि जब टीम ग्राउंड पे आएगी उससे पहले आपको बताइए बॉलर्स प्रैक्टिस करते हैं बैट्समैन, तो वहाँ अगर ऐसा दिखता है कि भाई लबुशांग ये बॉल कर रहा है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वैसे चांसेस कम है। बाकी सेम बिलिंग्स हैं वो 5वें नंबर पे आएंगे, अगेंस्ट 43 के स्कोर अच्छा है लेकिन वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ठीक है, इससे बेहतर रिकॉर्ड आई थिंक बैटिंग में किसी का भी नहीं है। ठीक है, और वेन्यू पे स्पेशली। उसके बाद पॉल वोल्टर जो पहला मैच अगेंस्ट भी और वेन्यू पे भी, देन आएंगे माइकल नेसर जो पिछले सीज़न ब्रिस्बेन हीट के लगभग हीरो रहे थे, लगभग हीरो इसलिए क्योंकि ऐसे मैचेस इन्होंने जिताए थे जहां पे ब्रिस्बेन का जीतना बहुत मुश्किल था, और एक कैच शायद आपको याद हो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से इन्होंने एक बेहतरीन कैच किया था वो ग्राउंड वाला,
ऊपर से बॉल फेंकी, भाग के आए और फिर नीचे बॉल, बहुत ही शानदार वो कैच था। और उसके कारण मतलब कई लफड़े भी हुए थे कि भाई ये आउट है या छक्का है, वो जीती थी मैच। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल प्लेयर बहुत अच्छा है, इवन ऐसा प्लेयर जिसको आप कैप्टन भी बना सकते हो मैक्सवेल के ओवर में, क्योंकि ओवर मतलब उसको हटा के, क्योंकि ये आता है डेथ ओवर्स में और प्लस में बैटिंग आने पे बैटिंग से भी पॉइंट देगा। वेन्यू की बात आती है तो वेन्यू पे 8 विकेट है पिछले 5 मैच में, लेकिन अगेंस्ट ये सिर्फ एक मैच अच्छा है, बाकी सब में फ्लॉप है। सिर्फ एक में 4 विकेट है, बाकी सब में फ्लॉप है। उसके अलावा अगर रीसेंट इनिंग की बात आती है तो रीसेंट इनिंग में आप देखोगे फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी, प्लस में बैटिंग आने से बैटिंग से भी पॉइंट और बॉलिंग तो करेगा ही, और बॉलिंग 4 ओवर के साथ साथ डेथ में और करेगा। बार्लेट की बात आती है, बार्लेट भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है और अगेंस्ट का रिकॉर्ड बेकार है। स्पेंसर जॉनसन जिसकी फॉर्म अभी हालिया दिनों में अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट अभी पिछले कुछ 5 मैचेस में अगर मैं बात करता हूँ तो ये फ्लॉप रहे हैं, लेकिन बंदा बहुत अच्छा है लिटरली। उसके बाद वेन्यू पे, लेकिन देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो प्लेयर है ना स्पेशली केवल तब इम्पोर्टेंट होगा जब टीम पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि जब टीम पहले बॉलिंग करेगी तो डेथ में आएगा, और डेथ में आएगा तो ऑब्वियसली बात है विकेट निकालेगा निकालेगा, तो उस केस में ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जब टीम पहले बैटिंग करती है तो उस केस में आप इनको आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉनसन को लेंगे अपनी टीम के अंदर। देन उनके बाद मिचेल स्विप्सन और मैथ्यू कुनमैन है। स्विप्सन की बात आती है तो ठीक ठाक रिकॉर्ड में बताऊँगा, और वेन्यू पर भी ठीक ठाक है, और कुनमैन की बात आती है तो टोटली ये फ्लॉप रहे हैं अगेंस्ट, और वेन्यू पर भी फ्लॉप ही बोलूँगा, मतलब ठीक ठाक बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इन इस टीम से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है जिनको टीम में आपको इंक्लूड करना ही करना है, अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो फर्स्ट चॉइस होंगे यहाँ पे कॉलिन मुनरो, सेकंड चॉइस होंगे यहाँ पे सैम बिलिंग्स, थर्ड चॉइस होंगे माइकल नेसर, और फोर्थ तीन तो ये तो कन्फर्म पिक करना है, ये तो 101% पिक करना ही करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अलावा उस्मान ख्वाजा जिसकी फॉर्म काफ़ी अच्छी है, और एंड वहीं पर लबुशांगे, ये 2 और प्लेयर हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेके खेलोगे तो मैक्स बिरयान, क्योंकि बंदा शानदार हिटर है लेकिन हिटिंग के चक्कर में आउट भी हो सकता है, ये ध्यान देना। मतलब यहाँ से 11 प्लेयर खेलेंगे, लेकिन 5 प्लेयर जिनका मैंने नाम लिया है वो मस्ट नीडेड है, 6 प्लेयर सामने वाली टीम से लेंगे, वो अभी आपको मैं बता भी दूंगा, ठीक है। बाकी ये इनके और बेंच के प्लेयर है विल्डरमुथ और जेक वुड, जो मे भी ऐसा हो सकता है कि वही एक्सपेक्टर बोलते हैं इनको, या सब्स्टिट्यूट, जैसे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं वैसे यहाँ एक्सपेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड टीम जो मेलबर्न स्टार्स की टीम है, और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और मुझे लगता भी नहीं कि ये टीम हारेगी, और वो भी ब्रिस्बेन से, ठीक है। हालांकि होम ग्राउंड है ब्रिस्बेन का, बट स्टिल ये टीम बहुत ही शानदार है। अगर आप देखोगे स्टोइनिस और हार्पर जो है ओपन करेंगे, और इस मैच में बैटल होने वाला है हार्पर वर्सेस सैम बिलिंग्स, क्योंकि दोनों विकेट कीपर है, एक करेगा ओपन एक करेगा बैटिंग 5वें नंबर पर, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा कि बिलिंग्स के साथ ही जाना, क्योंकि वहाँ पर पावर प्ले में अच्छे बॉलर है, नेसर भी शानदार और विकेट टेकर नेचर का बॉलर है। ये भी सेम हाल है मैक्स ब्रियांट वाला, ये भी वही है कि पहली बॉल से हिटिंग स्टार्ट कर देगा, बस इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये एज ए विकेट कीपर के तौर पे खेलते हैं, तो वहाँ पे फिर जो कैचेस स्टंपिंग रनआउट के एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं वो इनके पास आ जाते हैं, और यही रीज़न होता है इनको ड्रॉप करने का दिक्कत आता है। अगर एज ए नॉर्मल प्लेयर खेले ब्रियांट जैसे तो एक बार फिर भी ड्रॉप कर देगी, चलो बैटिंग से फ्लॉप कहानी ख़त्म, लेकिन ये जो सेकेंड इनिंग आएगी तो वहाँ कैचेस स्टंपिंग फर्स्ट इनिंग मतलब स्पिन के जो पॉइंट्स होते हैं विकेट्स जो भी मतलब स्पिन नहीं विकेट कीपिंग के जो पॉइंट होते हैं वो इनके पास एक्स्ट्रा आएंगे, तो अब इनको ड्रॉप करना भी दिक्कत है और लेना भी, ठीक है। बट स्मॉल लीग में क्योंकि ये टीम स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इनको लेना। स्टोइनिस इनके साथ ओपन करेंगे जो कैप्टन मटेरियल या वाइस कैप्टन मटेरियल प्लेयर है, फिर आएंगे जोई बंस, मैक्सवेल, कोटरवाइट, उसामा मीर, ऐसा हो सकता है और मोस्ट लाइकली ऐसा होगा भी कि जो उसामा मीर है इनसे पहले आपको लियाम डॉसन दिखेंगे, फिर उसके बाद नाथन कल्टर नाइल, देन उनके बाद आएंगे उसामा मीर, ठीक है, ये बैटिंग पोजीशन में चेंज होगा। उसके बाद जोएल पेरिस, ब्रावडी और कोरी। अब मैंने आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मुनरो लेफ्टी है ना, बोला था। अब यहाँ पे आप देखोगे ना ऑफ स्पिनर वैसे देखा जाए तो मैक्सवेल भी है, ठीक है, वहीं पर उसके अलावा जो दूसरा ऑफ स्पिनर है ना वो कोरी है, और यही रीज़न है कि आप यहाँ पर देखोगे ना तो पावर प्ले में मैंने इनको मेंशन किया हुआ है। वैसे पॉसिबिलिटी है कि मैक्सवेल पावर प्ले में आएगा, लेकिन अगर मैक्सवेल बॉलिंग नहीं किया उस केस में कोरी पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, ठीक है। देन जोएल पेरिस और ब्राउडी काउच तो आएंगे आएंगे, डेथ में काउच, स्टोइनिस और नाथन कल्टरनाइल। देखिए स्टोइनिस आए ना आए, कल्टरनाइल कन्फर्म आएगा और ब्राउडी काउच भी कन्फर्म आएगा। अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है,
उस केस में एक्सपेक्टेड के रूप में टॉम रोजर्स ओपन कर सकता है और पहले बॉलिंग करती है तो ओयली स्टोन जो है पहले आ सकता है, फिर वो बाहर हो जाएगा और रोजर्स आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड का सीन ये अभी आपको एक दो मैचेस में परेशान भी करेगा, जो लोग नए हैं वो BBL के अंदर उनको परेशान करेगा, बाकी तो फिर जब धीरे धीरे समझ जाओगे तो चीज़ें सही हो जाएगी भाई, फिर ना है ना। तो अभी के लिए ये है और बाकी देखते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टर वाला सीन वुमेंस BBL के अंदर तो था नहीं, अभी इसमें अगर रहता है नहीं रहता है वो जो भी होगा वो मैं डायरेक्टली इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि वुमेंस BBL में भी ऐसा सीन जो है ना बताया नहीं गया था कि आएगा नहीं आएगा, और यहाँ पे भी अभी इसकी कोई अपडेट है नहीं, बट स्टिल अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा अब हम यहाँ से इन प्लेयरों का बात करते हैं, तो स्टोइनिस की बात आती है अगेंस्ट हीट, तीन मैच में अच्छा ही बोलूँगा मैं, क्योंकि 30 रन का स्कोर NF है T20 मैच में, और वेन्यू की अगर बात करता हूँ तो वेन्यू पे आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, तो कैप्टन नहीं तो कम से कम वाइस कैप्टन तो बनाना है, क्योंकि कैप्टन तो पता है मुझे मैक्सवेल ही बेस्ट होगा, देन उनके साथ जो ओपन करेंगे वो सेम हार्पर है। अब देखिए हीट के अगेंस्ट ये टोटली फ्लॉप रहे हैं, बट स्टिल इनको ड्रॉप करने में दिक्कत वही विकेट कीपिंग का जो सीन है वो होता है। वेन्यू पे इन्होंने दो मैच खेले उसमें अच्छा रिकॉर्ड है। जोए बंस की बात आती है, सिर्फ एक मैच है अगेंस्ट हीट, बाकी उसके अलावा कोई मैच है नहीं, और वेन्यू पे अगर बात करता हूँ तो ठीक ठाक है, मतलब स्मॉल लीग में आप ले सकते हो जब आप मेलबर्न स्टार्स को वन साइडेड विन करवा रहे हो और वो भी टॉप ऑर्डर से, अगर आप बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उस केस में आप इनको आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि ये धीरे धीरे खेलते हैं और धीरे धीरे के चक्कर में कई बार अपना विकेट फेंक देते हैं। देन उनके बाद मैक्सवेल बात करने की नीड है नहीं, डायरेक्टली चलते हैं आगे हिल्टन कोटरवाइट। तो यहाँ पे देखिए अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है और फॉर एग्जांपल के लिए पावर प्ले में विकेट चले जाते हैं, पावर प्ले में मान लो नेसर ने दो तीन विकेट निकाल दिए, उस केस में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उस केस में फिर नेसर को VC करना पड़ेगा, है ना, वरना उनका कोई काम है नहीं, ये कन्फर्म है। उसके अलावा यहाँ से वेन्यू की तो मेन चीज़ तो यही है कि बैटिंग डाउन करेंगे, इसलिए लेने में इनको दिक्कत आती है, ठीक है। एक बार के लिए मैं बिलिंग्स पे थोड़ा फिर भी रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि वो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे और प्लस में वो अच्छा रिकॉर्ड भी रखते हैं और बेहतरीन प्लेयर भी है, और हीट के टॉप ऑर्डर का कोई खास सीन है नहीं, मुंड्रो भी विकेट फेंक देता है, ब्रियांड भी विकेट फेंक देता है, तो उस केस में क्या है एक ख्वाजा जरूर है जो विकेट नहीं फेंकता, बाकी फिर उनकी क्या है बैटिंग के भी चांस है। यहाँ पे देखोगे तो स्टोइनिस भी बहुत शानदार प्लेयर, हार्पर वैसे ही तेजी के साथ खेलेगा, बंस बहुत स्लो खेलेगा, मैक्सवेल तो यहाँ पे पता नहीं बैटिंग आए ना आए, एक बार के लिए बिलिंग्स इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही बात है ना कि पावर प्ले में विकेट्स उम्मीद लगा रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसामा मीर से पहले मोस्ट लाइकली डॉसन आएंगे, जिनका वेन्यू और अगेंस्ट पहला मैच होगा, उसामा मीर का भी पहला ही मैच होगा दोनों जगह पे। नाथन कंटरनाइल ने मैचेस खेले और नाथन कंटरनाइल का हर मैच में विकेट है, अगेंस्ट के हर मैच में नाथन कंटरनाइल ने विकेट लिए है, तो मस्ट नीडेड प्लेयर हो गया, और वैसे भी ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो लेना ही इनको, तो और स्पेशली अगर टीम पहले बॉलिंग करे तब तो बिल्कुल ही ड्रॉप मत कर देना। उसके अलावा वेन्यू पे भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, डाउसन का पहला मैच होगा। जोएल पेरिस की बात आती है, पिछला सीजन इनके लिए काफ़ी बेहतरीन रहा और वहीं पे इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, और दूसरी तरफ इनका जो दो मैच खेले हुए हैं अगेंस्ट वेन्यू पे वो भी काफ़ी बेहतरीन मैचेस है। ब्राउडी गाउच की बात आती है, तो पिछला जो मैच खेला गया था इस वेन्यू पे वो इसी टीम के अगेंस्ट था जिसमें इन्होंने 3 विकेट लिए थे, और वहीं पे हम बात करते हैं कोरी की, तो एक मैच खेला है ये जिसमें विकेट लेस है और वेन्यू पे इनका पहला मैच होगा। टॉम रोजर्स की बात आती है, अगेंस्ट हीट इन्होंने मैचेस खेले दोनों मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, और जो पिछला मैच था इस वेन्यू पे वो 41 रन का इन्होंने स्कोर किया था, और बाकी के सारे प्लेयरों का पहला मैच है। नाउ अब हम बात करते हैं प्लेयर बैटल की, जो कि मैंने मेंशन किए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे पावर प्ले में ओपन जो करेंगे बॉलर सामने वाले बैट्समैन से उनका बैटल होगा ही होगा, ऐसे लेफ्टी और राइटी का बैटल, वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल उस्मान ख्वाजा ये ओपन करेंगे और ब्राउडी काउच भी ओपन करेंगे, है ना, ये है लेफ्टी और वो है राइट आर्म मीडियम पेसर, तो ये भी एक बैटल होगा। दूसरा कोलिन मुंड्रो वर्सेस कोरी, कोलिन मुंड्रो वर्सेस मैक्सवेल, कोलिन मुंड्रो वर्सेस उस्मान ख्वाजा वर्सेस मैक्सवेल, ये बैटल भी होगा, ये ध्यान देना। पावर प्ले में मैक्सवेल आ सकता है और रीज़न आपको पता ही होगा क्यों, क्योंकि ये लेफ्टी है दोनों और वो ऑफ स्पिनर है, ये हो सकता है और ये मोस्ट लाइकली होगा भी, मैक्सवेल पावर प्ले में दिखेगा और ये बैटल केवल लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन के कारण। सेम बिलिंग्स नाथन कंटरनाइल, इनको इन्होंने आउट किया हुआ अभी, और प्लस पॉइंट ये भी बता देता हूँ क्योंकि ये आएंगे मिडल में बैटिंग के लिए,
और इनका स्टार्टिंग ओवर ही मिडल में होगा, तो ये भी इनका एक आपको बैटल दिखेगा। स्टोइनिस वर्सेस जॉहनसन, वही पावर प्ले वाला सीन कि जॉहनसन आएगा पावर प्ले में बॉलिंग के लिए और स्टोइनिस आएगा ओपनिंग में बैटिंग के लिए, तो ये भी एक बैटल होगा जिसका आपको ध्यान देना है। क्योंकि स्टोइनिस जो है, जैसे यहाँ से उस्मान ख्वाजा और ब्राउडी काउच है, ये लेफ्टी है और वो राइट आर्म मीडियम पेसर है, ये राइटी है तो वो लेफ्ट आर्म फास्टर है, तो ये बैटल होगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सवेल और कुनमेन का, लेफ्टी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड सॉरी हाँ राइटी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। देन मैक्सवेल वर्सेस नेसर, वो तो भाई इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि टीमों के सबसे बेस्ट प्लेयर, अगर यहाँ से सबसे बेस्ट प्लेयर कोई है तो मैक्सवेल है मेलबर्न स्टार्स से, और अगर हीट की बात करते हैं तो माइकल नेसर है, तो ये बैटल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्लेयर बैटल है जो इस मैच में मोस्ट लाइकली आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नई फॉर्मेट मैंने ऐड किया है, अगर कुछ चीज़ें आपको और चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, और कमेंट से तो आपको फ़ायदा भी होगा क्योंकि एक तो सबसे बड़ा पॉइंट, इस वीडियो में आप सबके लिए 10,000 का गिव अवे भी रहने वाला है, और ये किन लोगों के लिए होगा, जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो में हम टारगेट रख रहे हैं कम से कम 5,000 लाइक्स का, बाकी देखते हैं होते कि नहीं, ठीक है। अब 10,000 के गिव अवे की अगर मैं बात करता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे जो वो होते हैं ना कंफर्म विनर, वही वाले विनर्स करता, बट अभी क्या है पिछले कुछ विनर्स हैं जिनको प्राइज नहीं मिला है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में क्वेश्चन का गिव अवे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे 4 क्वेश्चन करूँगा और चारों का सही आंसर देने पे आप लोग फ्री में 10,000 विन कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा, बस ये ध्यान देना इस वीडियो में 4 क्वेश्चन का गिव अवे रहने वाला है, सही आंसर दो और फ्री में प्राइज ले लो। जो बंदे ऐसे हैं जो टेलीग्राम से अभी भी नहीं जुड़े हैं, तो फाइनल स्मॉल लीग की जो टीम होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर आप लोगों को ज्वाइन करना है। और बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने समझा दिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन करना, और अब आपका काम है ज्वाइन करना और नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। टेलीग्राम के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट। आप लोग इस मैच को खेल रहे हो तो आप कहाँ पे खेल रहे हो, सही जगह जहाँ आपका प्रॉफिट हो तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपने लीग 11 डाउनलोड नहीं किया है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, बहुत शानदार एप्लीकेशन है। और डाउनलोड करने का रीज़न ये है क्योंकि एक तो इस पूरे टूर्नामेंट में आपके लिए लीडर बोर्ड है लीग 11 पे, ठीक है, आप जाके देखोगे ना तो बिग बैश लीग के लिए बहुत बढ़िया लीडर बोर्ड है जिस तरीके की अभी कंडीशन चल रही है, ठीक है। GST आने के बाद आपको पता है लीडर बोर्ड बहुत ही कम हो चुके हैं सभी एप्स पे, वरना इस टूर्नामेंट पे कार वगैरह का लीडर बोर्ड कन्फर्म रहता, बट अभी GST के कारण थोड़ा छोटा लीडर बोर्ड है बट स्टिल बेस्ट है, तो वो भी आपको मिलेगा। प्लस में सबसे कम एंट्री फीस पूरे फैंटेसी एप्स में अगर किसी पे है तो ये, साथ में संडे टू संडे मोबाइल गिवअवेज आपको कहीं मिलेगा तो भी यहीं पे, तो लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी टीम की। सो फाइनल टीम जो होगी वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर ही दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मैं ट्रेंचो वगैरह खेलेंगे नहीं, पता नहीं लोगों ने क्यों ले रखा है, अगर आपने भी ले रखा है तो मत लेना, ठीक है। सबसे पहले विकेट कीपिंग की बात आती है, हार्पर और बिलिंग्स दोनों बेहतर हैं, आप जिसको चाहो उसके साथ जा सकते हो, फिलहाल के लिए मैं बिलिंग्स के साथ जा रहा हूँ क्योंकि पावर प्ले में नेसर आएगा और वो एक अच्छा विकेट टेकर नेचर का बॉलर है, और फिर सेम बिलिंग्स शानदार प्लेयर है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड आपने अभी देखा ही होगा, और दूसरा बड़ा पॉइंट विकेट नहीं फेंकता है। फिर आ जाइए आप बैटिंग सेक्शन में, तो देखिए लबुशांगे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको बताइए भाई कितना शानदार प्लेयर है, बट यार मोस्टली ऐसा हो सकता है, बाकी देखते हैं प्लेइंग 11 में क्या सीन है, एक टेस्ट मैच वाला थोड़ा सीन खड़ा हो सकता है, देखते हैं। फिलहाल के लिए स्क्वाड में अनाउंसमेंट है तो मे भी खेलेगा लबुशांगे और उसके अलावा उस्मान ख्वाजा, और यहीं पर तीसरा कोलिन मुनरो। रोजर्स को अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अच्छा प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैं लूँगा अगर ये खेलता है तो। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए ये दो प्लेयर तो तीन प्लेयर तो कन्फर्म लेना, चाहे किसी को लो चाहे किसी को मत लो, ये तीन तो 101% टीम में आने चाहिए क्योंकि तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तीनों को मैंने लिया हुआ भी है। देन उनके बाद हम बात करते हैं बॉलिंग की, नाथन कंटर नायन का रिकॉर्ड अभी आपने देख ही लिया होगा, और प्लस में मेलबर्न स्टार्स फेवरेट हैं इसलिए मैं इनको तो कन्फर्म पिक करूँगा। जोएल पेरिस जो है काफ़ी अच्छी फॉर्म में, अब देखते हैं भाई मतलब, और ये दूसरा बड़ा पॉइंट ये कि पावर प्ले के अंदर वहाँ पे ब्रियान जो है विकेट फेंकने की पूरी कोशिश करेगा और ये पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, तो और फिर साथ में क्या है फॉर्म भी इस बंदे की काफ़ी अच्छी है, और ब्राउडी काउच का सिलेक्शन केवल 1% है जो डेथ में आएगा, जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड का
काम करेगा, क्योंकि काउच बहुत शानदार विकेट टेकर है। हाँ, अगर टीम पहले बैटिंग करती है तब उस केस में फिर भी ऐसा हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन पहली बॉलिंग पे तो ड्रॉप करना ही नहीं आपको, ठीक है। तीन तो ये प्लेयर हो गए, और अगर चौथे प्लेयर की बात करता हूँ तो यहाँ से देखिए, और डाउसेन एक तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक यहाँ से पॉल वोल्टर, और बैटिंग सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपके लिए मैक्स ब्रियांट, जिनको आप चाहो इन तीनों में से आप उनके साथ जा सकते हो, क्योंकि तीनों बेहतर है। बट यही है कि ये विकेट फेंक देता है। दूसरी, अगर इन दो की बात करता हूँ, ये दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं लेने वाला हूँ यहाँ से लियाम डाउसन को, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मेरी स्मॉल लीग की टीम है, आप चाहो ना तो ये भी कर सकते हो, जैसे डाउसन को ड्रॉप किया और ड्रॉप करके यहाँ से आपने हार्पर को ले लिया, या टीम पहले बॉलिंग करती है ये वाली हीट की टीम तो बार्लेट को ले लिया, और बार्लेट को तो कन्फर्म लेना अगर टीम हीट ने पहले बॉलिंग की तो, क्योंकि वो डेथ में आएगा, और फिर ऑब्वियसली बात है डेथ वाले बॉलर को हम ड्रॉप वैसे भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये मेरी टीम है, ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये क्या टीम बना दी, एक टीम के सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर ले लिए और यहाँ से सारे बॉलर, बट जब बेहतर टीम बन रही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी टीम है, इसमें स्टेक, ये बार्लेट का सीन ऐसा है ना कि अगर टीम पहले बॉलिंग नहीं की तो मैं इसको हटा दूंगा, और इवन अगर पहले बॉलिंग करती है ना तो मैं ब्राउडी काउच को हटा के, और यहाँ से फॉर एग्जांपल के लिए स्पेंसर जॉनसन भी है, देन उनके अलावा उसामा मीर भी है, तो ये वाले सीन है। चलो फिलहाल के लिए आप ये टीम मेरी रख सकते हो स्मॉल लीग में, बट स्टिल मैं एक चीज़ में कन्फ्यूज हूँ, आपको इसको भी हटाना है बार्लेट को भी, एंड यहाँ से ब्राउडी काउच, क्योंकि जो ये टीम है मेलबोर्न स्टार्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उम्मीद है ये टीम आसानी से मैच को विन भी करेगी। तो ये मेरी स्मॉल लीग की डेमो टीम है, और फाइनल देखिए सारी, बस ये मेरी टीम फाइनल पता है कब रहेगी, जब मेरे सारे प्लेयर खेलेंगे, और दूसरा बड़ा पॉइंट, जब ये टीम पहले बॉलिंग करेगी मेलबोर्न स्टार्स, अगर बैटिंग करती है ना उस केस में मेरी टीम में स्पेंसर जॉनसन और शावियर बार्लेट ये दोनों होंगे, और उसी के अलावा हार्पर को भी मैं ले सकता हूँ, बट अपडेट जो भी होगा उसके लिए तो मैंने टेलीग्राम का बोल ही दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया, अब आपका काम है टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है, सारे इन्फॉर्मेशन जो भी मैच के थे, अब सारा काम टेलीग्राम पे डिपेंड है, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक से। अब बचता है गिव अवे का क्वेश्चन, तो गिव अवे का क्वेश्चन यही है, इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, सबसे कम रन कौन बनाएगा, नहीं सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा विकेट, सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट और सबसे कम फैंटेसी पॉइंट, ये चार क्वेश्चन है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा विकेट, सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट और सबसे कम फैंटेसी पॉइंट, अगर ये चार क्वेश्चन का आंसर आप सही दे देते हो तो 10,000 का गिव अवे था ना वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर प्रेडिक्ट, पॉइंटों की बात है ये, ठीक है, ये आपको प्रेडिक्ट करना है, और आप अगर प्रेडिक्ट कर पाते हो तो आप लोग विन कर जाओगे, ठीक है। बाकी मैच की इन्फॉर्मेशन दे ही दी, तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।